नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, ये वीडियो जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। याद रखिएगा, चैनल पे आपका जून जुलाई से लेकर के नवंबर 2023 तक यूपी स्पेशल वाला करंट अफेयर्स और उसका MCQ दोनों अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2023 के यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स और MCQ। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जैसे RO की या फिर PCS की, और आपको उसका पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप आराम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2023 के यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो है दिसंबर 2023 में अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके बारे में देखिए। तो अवार्ड क्या है? ये है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर ईयर 2023। ठीक है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए नेशनल अवार्ड, तो ये दिया गया है तेजवीर गौतम बुद्ध नगर के हैं, ये अभिनव चौधरी हैं, और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी है। ठीक है, इन तीनों को दिया गया है, तेजवीर, अभिनव और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को। ये अवार्ड देता कौन है? तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसको अवार्ड को दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो अब एक एक करके जो भी अवार्डी हैं, जो पर्सन हैं, उनके बारे में देखिए। तेजवीर सिंह जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर के हैं, एंड ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस 2023 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डिसेबल पर्सन फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क इन द सोशल सेक्टर। ठीक है, सोशल सेक्टर में इनका एक्सीलेंट वर्क रहा है, दैट्स वाई इनको ये 2023 का नेशनल अवार्ड दिया गया है डिसेबिलिटीज़ का। ठीक है, किस कैटेगरी में? बेस्ट डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में। अगले हैं अभिनव चौधरी, जो कि गाजियाबाद के हैं। ठीक है, इनको भी इंडिविजुअल अवार्ड ये दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ श्रेष्ठ दिव्यांग जन। ठीक है, एंड किस लिए? फॉर हिज एक्सीलेंस वर्क इन फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो तेजवीर को ये दिया गया था सोशल सेक्टर में, और अभिनव चौधरी को दिया गया है आर्ट, कल्चर एंड सोशल सर्विस में। अगला जो है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, इसके बारे में देखिए। तो ये सोसाइटी है कानपुर की, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे हैव बीन अवार्डेड द नेशनल अवार्ड 2023 फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इससे है, तो मेन यही चीज़ जानिएगा आप कि सबसे पहले तो ये अवार्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में, प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने दिया। और ज़्यादा पूछेगा तो किसको किसको दिया गया है, दो इंडिविजुअल हैं जिसमें तेजवीर और अभिनय चौधरी हैं, और एक NGO है जिसका नाम है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक, तो ये तो अवार्ड देख लिया। अब दिसंबर 2023 की एक डिफेंस वाली न्यूज़ देख लीजिए, जो यूपी से रिलेटेड है। ये है डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन अयोध्या, वेन्यू इसका अयोध्या है। इसके बारे में क्या है कि ब्रिटिश कंपनी ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल विल सेटअप द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक ब्रिटिश कंपनी है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी अयोध्या में इस्टेब्लिश करेगी। फॉर दिस द कंपनी विल इन्वेस्ट टोटल ऑफ 75,000 करोड़। ठीक है, इसके अलावा ये जो कंपनी है ब्रिटिश वाली, इसके अलावा 5 बिग मल्टीनेशनल कंपनीज हैव सोन इंटरेस्ट अंडर द FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द स्टेट। इसमें है हांगकांग कंपनी, ताओसान इंटरनेशनल ग्रुप, RG ग्रुप, ऑस्टी कंसल्टिंग ग्रुप, ऑस्टिन कोसिस ग्रुप, इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड ब्रिटेन की ये तो ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल ग्रुप देख ही लिया। इसके अलावा है ABC क्लीन टेक, यूनिकॉर्न एनर्जी जर्मनी एक्सेट्रा, मतलब ये सब कुछ कंपनीज हैं। तो बेसिकली ये जो है अयोध्या में आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के इम्प्रूवमेंट से, उसके एम्पावरमेंट से। अगला है स्पोर्ट न्यूज़, एक देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट लीग। ठीक है, उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट लीग जिसको लॉन्च किया योगी आदित्यनाथ ने, कहाँ से? गोरखपुर से। ठीक है, तो बस यही देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट लीग की शुरुआत की गई गोरखपुर से, मुख्यमंत्री ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फिर है आप समिट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, समिट्स हुई जो दिसंबर 2023 में यूपी से रिलेटेड। सबसे पहले है सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम,
काशी तमिल संगमम सेकेंड फेज इसका एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि काशी तमिल संगमम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो काशी तमिल संगमम है इसकी नोडल मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये कल्चर वगैरह से रिलेटेड नहीं है, टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो इसके बारे में देखिए, इसका वेन्यू रहा है सेकेंड फेज वाला वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम वॉज ऑर्गेनाइज अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम फ्रॉम 17 to 30 December 2023। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंडर में। फिर है द 1400 पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम वेयर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप ऑफ 200 ईच। 1400 लोगों को 7 ग्रुप में बांटा गया, तो पर ग्रुप में 200 लोग हुए। एंड ऑल 7 ग्रुप वेयर नेम्ड आफ्टर द सैक्रेड रिवर, जो सातों ग्रुप बनाए गए उनका सैक्रेड रिवर पे नाम रखा गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी। ठीक है, फिर है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यूज्ड एआई टूल भाषणी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एआई टूल भाषणी फॉर द फर्स्ट टाइम टू ट्रांसलेट हिज स्पीच एट काशी तमिल संगमम ऑन 17 December 2023। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये काशी तमिल संगमम हुआ इसमें एक एआई टूल का यूज़ किया जिसको भाषणी बोला जाता है। बेसिकली ये किस लिए यूज़ किया गया एआई टूल, जो आपके मतलब ये जो संगम हुआ था, जो ये मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए ये एआई टूल है भाषिनी, इसलिए इसका पहली बार यूज़ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसी में। फिर है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देख लीजिए, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास तमिलनाडु एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। नोडल मिनिस्ट्री मैंने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो ये तमिल संगमम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री, दूसरा किसके अंडर में है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के, और तीसरा कि पहली बार इसमें लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए एआई टूल भाषिनी का यूज़ किया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, ये हुई दावोस में। तो देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कैसे है ये, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश हैज़ बीन इनवाइटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग टू बी हेल्ड इन दावोस स्विट्जरलैंड फ्रॉम 15 January to 19, 2024। ठीक है, तो आफ्टर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पार्टिसिपेट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 मीटिंग, ही विल बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टू डू सो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश को इनवाइट किया गया है, और हमारे जब योगी आदित्यनाथ इसको ये ज्वाइन करेंगे तो ऐसा करने वाले ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, ये हो गया, तो ये देख लीजिएगा ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग जो है ये कहाँ पर हुई, तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे है बायो नेचर कॉन, वेन्यू रहा है इसका गोरखपुर। तो इसमें देखिए ऑन 15 December 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड 3-day नेशनल सिंपोजियम बायो नेचर कॉन 2023 ऑर्गेनाइज्ड एट महायोगी गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ इसमें थोड़ी और डिटेल है कि इसमें देखिए जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार हैं प्रदीप कुमार राव, इनकी दो किताबें हैं, एक तो है प्राचीन भारत का राज्य कर्मचारी और दूसरा है नाथ पंथ वर्तमान उपादेयता का एक ऐतिहासिक परिपेक्ष। इन दोनों बुक के ये राइटर हैं प्रदीप कुमार राव, और इसका विमोचन जो है, ठीक है, इसको रिलीज़ किया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, बुक राइटर अगर पूछ देता है तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला रैंक्स एंड रिपोर्ट्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो पहला है कि फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम दैट इज़ ABP, जिसको पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें देखिए टॉप ब्लॉक्स इन रैंकिंग, दो ब्लॉक हैं जो टॉप पर हैं, एक तो है कुमरम भीम ब्लॉक तमिलनाडु का और दूसरे नंबर पर है कौसाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग आई है ABP की यानी एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, इसमें दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का कौसाम्बी ब्लॉक है। ठीक है, और पहले नंबर का तमिलनाडु का कुमरम भीम ब्लॉक है। और देख लेते हैं द ब्लॉक्स ऑल्सो डिवाइडेड जियोग्राफिकली इंटू 6 जोन्स एंड रैंकिंग इज गिवेन टू ब्लॉक्स फ्रॉम ईच जोन एंड इन जोन टू जो कि ठीक है दूसरे जोन में विच कवर्स नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हरैया ब्लॉक ऑफ बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टूड फर्स्ट एंड
एंड ये है विरोन ब्लॉक ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट स्टूट सेकेंड, ठीक है। तो हैरैया और विरोन ये याद कर लीजिएगा। दूसरा है एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है किडनैपिंग की, जिसके एनसीआरबी पब्लिश करता है। इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन इंसिडेंट ऑफ किडनैपिंग एंड एबडक्शन इन द लास्ट थ्री ईयर्स, ठीक है। तो पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग एबडक्शन के जो केसेज हैं वो बढ़े हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा 110,140 पीपल, जिसमें 21,088 मेन रहे हैं और 88,000 वीमेन रही हैं और एक ट्रांसजेंडर वेयर किडनैप्ड इन कंट्री लास्ट ईयर। एंड जिसमें जो ये डेटा है 110,000 वाला, इसमें हाईएस्ट नंबर जो है केस जो रिपोर्ट किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हैं लगभग 16,000, देन उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि इसमें फिर से किडनैपिंग और एबडक्शन के मामले जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। तो ये हो तो हो गया आपका दिसंबर 2023 वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमने देख लिया दिसंबर 2023 का उत्तर प्रदेश का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं एमसीक्यू, अब है आपके एमसीक्यू की बारी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सबसे पहला है कि रिसेंटली द प्रपोजल टू रीनेम सुहाग नगरी फिरोजाबाद टू चंद्रनगर हैज़ बीन पास्ड इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एग्जीक्यूटिव मीटिंग, बिल्कुल सही है। ये पिछले मंथ का जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फिरोजाबाद का नाम बदल के करेंगे चंद्रनगर, ठीक है, जो कि म्यूनिसिपल लेवल पे इसको पास कर दिया गया है। दूसरा है फिरोजाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले तो फिरोजाबाद का नाम बदल के करेंगे चंद्रनगर, दूसरा फिरोजाबाद है कहाँ, यमुना नदी के तट पे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च्ड स्टेट्स फर्स्ट एवर इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन विच टू सिटीज़ ऑन 25 दिसंबर 2023। तो जो ये पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसको योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया, ये किन दो शहरों के बीच में है, ये है आगरा से लेकर के मथुरा के बीच में। एक ये हो गया, तो याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस कहाँ से कहाँ तक, आगरा से लेकर के मथुरा तक, ठीक है। ये आगरा में बटेश्वर आपने सुना होगा, बटेश्वर का मेला, ठीक है, आगरा के बटेश्वर से लेकर के मथुरा के गोवर्धन के बीच में, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो पहला आपने देख लिया इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, और इसके अलावा ये हॉट एयर बलून सर्विस भी इन्हीं दोनों के बीच में, ठीक है, हॉट एयर बलून सर्विस आगरा से मथुरा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली इन अ कंपेन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 10-year-old स्टूडेंट वैष्णवी मिश्रा वॉज मेड अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 साल की स्टूडेंट हैं वैष्णवी मिश्रा जिसको ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया, तो ये है गोंडा जिले की वैष्णवी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल वाटरवेज अथॉरिटी बिल 2023। पहला स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि ऑन 9th नवंबर 2023 द प्रपोजल रिलेटेड टू पासिंग उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल वाटरवेज अथॉरिटी बिल 2023 इन द लेजिस्लेचर वॉज अप्रूव्ड, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अप्रूव हो गया। एंड दिस बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल वाटरवेज अथॉरिटी, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवील एंड 25 feet हाई स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी बिलारी मुरादाबाद, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और दूसरा अविनाश वरुण के बारे में, अ स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गोरखपुर यूपी हैज़ क्रिएटेड अ ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, नाइदर वन नॉर टू ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है IAS दुर्गा शंकर मिश्रा के बारे में, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ रिसेंटली गॉट द सर्विस एक्सटेंशन ऑफ व्हाट ड्यूरेशन, तो जो IAS दुर्गा शंकर मिश्रा हैं जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, इनका जो सर्विस है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 6 मंथ के लिए। फिर है
ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन? तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया कि ऑन 30th दिसंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम इन रामनगरी अयोध्या एंड फ्लैग्ड ऑफ 2 न्यू अमृत भारत एंड 6 न्यू वंदे भारत ट्रेन। तो ये भी सही है पहला। फिर दूसरा है, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन हैज़ बीन डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ मोर देन 240 करोड़, ठीक, एंड दिस रेलवे स्टेशन हैज़ रिसीव्ड IGBC दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग। ये तीनों सही है, ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। फिर अगला सवाल है कि हु इनॉग्रेटेड द सर्ववेदा महामंदिर एट उमराह इन वाराणसी उत्तर प्रदेश ऑन 18th दिसंबर 2023। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। एंड सर्ववेदा टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाई सेंट सदाफल महाराज द फाउंडर ऑफ विहंगम योग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन्होंने बनवाया था सदाफल ने, और इसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी ने। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है अयोध्या जंक्शन एंड द एयरपोर्ट टू बी न्यूज इन दिसंबर 2023 के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया कि द नेम ऑफ अयोध्या रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन चेंज टू अयोध्या धाम जंक्शन। बिल्कुल सही है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया अयोध्या धाम जंक्शन। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ठीक है, तो एयरपोर्ट का नाम भी नाम कर दिया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर है, ऑन 18th दिसंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। फ्रॉम वेयर विल दिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन? तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये चलेगी वाराणसी से दिल्ली तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश हैज़ ओवरटेकन विच स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। तो देखिए, तो जो रिपोर्ट आई है दिसंबर 2023 में, ठीक है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की, तो इसमें उत्तर प्रदेश ने किसको पीछे करके दूसरे नंबर पे आ गया है? तो ये है गुजरात, गुजरात को इसमें कर दिया है उत्तर प्रदेश ने पीछे। अगर बात करें टॉप 3 हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की, तो इसमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, अब यूपी दूसरे नंबर पर आ गया है, गुजरात जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फिर अगला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि OPD फॉर किडनी ट्रांसप्लांट विल बी स्टार्टेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IMS BHU, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन द ऑन द ओकेजन ऑफ 162nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय ऑन 25th दिसंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड रिलीज द फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 volume ऑफ कलेक्टेड वर्क ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय इन अ प्रोग्राम। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश अ न्यू काउ सेल्टर रीनेम्ड मनोरथ विल बी बिल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। सबसे पहले तो ये किस सिटी में मनोरथ जो है वो सेल्टर जो है वो ओपन किया जाएगा, ये बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में। किसकी तर्ज पे? स्विट्जरलैंड की तर्ज पे। तीसरी चीज़, मनोरथ पूछ सकता है, तो मनोरथ क्या है कि काउ सेल्टर है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू लखनऊ मेयर अंडर द काउ टूरिज्म पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अ काउ सेड विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 10 hectare लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹32.63 करोड़ इन उत्तर धौना विलेज ऑफ लखनऊ, ठीक है। अगला है, वेयर विल एशिया सेकेंड लार्ज फिश मार्केट बी सेटअप टू प्रमोट फिश फार्मिंग इन उत्तर प्रदेश। फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सेकेंड जो है फिश मार्केट कहाँ पे सेटअप की जाएगी? मुरादाबाद में। पहली फिश मार्केट कहाँ पे सेटअप की गई है उत्तर प्रदेश में? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये है फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, पहली चंदौली, दूसरी मुरादाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इन दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम स्टेट विद सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द कंट्री, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट विद द लार्जेस्ट इकॉनमी इन इंडिया, ठीक है। तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे है।
फिर आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी हेल्थ एटीएम्स डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन दिसंबर 31, 2023। गोरखपुर में कुल 19 हेल्थ एटीएम का इनॉग्रेशन किया गया है। फिर अगला है, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग रिलीज इन नवंबर 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में नंबर वन पे कौन से वो हैं वो जिले, तो ये है अंबेडकर नगर और दूसरा मुजफ्फरनगर, दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन द कैबिनेट मीटिंग ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन दिसंबर 19, 2023 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ गिवन अप्रूवल टू एस्टेब्लिश साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के टोटल हैं 75 जिले, उसमें से जो 57 जिले हैं, ठीक है, इसमें जो है ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया कि इन दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड द न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम टू अप्रूव द स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इन द स्टेट। बिल्कुल सही। एंड दूसरा, दिस सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री इन द स्टेट। ये भी सही है। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इन दिसंबर 2023 द रिसर्च कंडक्टेड बाय हर्षद श्रीवास्तव पीएचडी स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज आईआईटी कानपुर इंडिकेशन ऑफ गैस एंड ऑयल हैज़ बीन फाउंड इन द सेडिमेंट्री बेसिन नियर नारकुंडम आइलैंड लोकेटेड 139 किलोमीटर फ्रॉम अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये तो सही है, हर्षद श्रीवास्तव ने खोजा है आपका ये गैस एंड ऑयल। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश हैज़ रिसीव्ड 3 अवार्ड फॉर एक्सीलेंट वर्क इन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इन द 6 टॉप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड हेल्ड एट बीकानेर हाउस दिल्ली। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, इसको दिया गया है कैलाश शांखला अवार्ड फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल। ठीक है, तो कैलाश शांखला अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है उत्तर प्रदेश के, तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब बाकी उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये हैं 4। ठीक है, दुधवा हो गया। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा, दूसरा है अमनगढ़, तीसरा है पीलीभीत, और जो लेटेस्ट वन बना है वो है रानीपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि वेयर वॉज नमो घाट इनाग्रेटेड इन दिसंबर 2023। तो नमो घाट का इनाग्रेशन हुआ है वाराणसी में, एंड नमो इज़ द फर्स्ट घाट इन इंडिया टू हैव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन लैंड वाटर एंड स्काई। ठीक है, यहाँ पे तीनों जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, लैंड है, वाटर है, स्काई भी है। फिर अगला है कि इन दिसंबर 2023 स्मिता श्रीवास्तव फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज़ इंटर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर हैविंग लॉन्गेस्ट हेयर इन द वर्ल्ड, एंड स्मिता इज अ रेजिडेंट ऑफ विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्मिता हैं प्रयागराज की, इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि भाई इनके सबसे लंबे बाल हैं दुनिया में। ठीक है, 46 साल की हैं, इनके बाल हैं 7 फीट 9 इंच के। वाह, फिर आगे बढ़ते हैं। Where was the foundation stone laid for Saurya Bhavan that is Dharmsala to be built in memory of Kothari brothers? तो ये देखिए, ये इसका right answer है गोंडा। Next one, under online teaching training in Uttar Pradesh, how many government colleges will students be provided the faculty of e-book, facility of e-book and e-library? तो total 92 colleges में ये facility दी जाएगी government colleges में। फिर आगे है, प्रयागराज स्काई डाइवर अनामिका शर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रयागराज हैड अनफोल्ड जय श्री राम फ्लैग 13,000 feet इन हाई इन द स्काई। अनामिका शर्मा इज़ अ रेजिडेंट ऑफ विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहले ही इसमें दे दिया गया है कि प्रयागराज की थी। ठीक है, इन्होंने 13,000 feet की ऊंचाई पे जय श्री राम जो है वो झंडा लहराया था, और ये कहाँ पे, वाइल स्काई डाइविंग इन बैंकॉक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वेयर डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च अ क्रूज लेक क्वीन क्रूज के बारे में इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज ऑन दिसंबर 15, 2023। तो भाई ये इनॉग्रेशन किया गया गोरखपुर में। ठीक है,
फिर अगला है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा, वेयर विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विथ सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द कंट्री, तो ये है उत्तर प्रदेश। पहले भी ये सवाल देख चुके हैं, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि दूसरे नंबर पे गुजरात था, उसको पीछे करते हुए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पर है इसमें महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है दिसंबर 2023 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और साथ में उसका एमसीक्यू, ठीक है, यूपी स्पेशल। इसका देखिए एक कंबाइन करके भी वीडियो आपको मिल जाएगा, टोटल 6 मंथ वाला, ठीक है, टोटल 6 मंथ का भी आपको जो मिल जाएगा वीडियो एक साथ। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, वो भी देख लीजिएगा। और दूसरा, ये जो वीडियो आ रहे हैं आपके हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि अब देखिए आर ओ का एग्ज़ाम आपका आ गया है, वो है 11 फरवरी को, उसके बाद तुरंत बाद ही आ गया आपका पी सी एस का एग्ज़ाम है 17 मार्च को, ठीक है। तो इलेक्शन के पहले ही करा दिया जाएगा और इलेक्शन के तुरंत बाद फिर मेंस की तैयारी में, समय बहुत ही कम है, बिल्कुल पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।